एनपी ट्रांजिस्टर दिया गया है, जिसमें यदि देखा जाए तो जो पहला पी होता है आपका किस प्रकार का होता है, उत्सर्जक प्रकार का होता है, और जो एन होता है ये आधार प्रकार का होता है, और जो आपका बाद का पी होता है ये किस प्रकार का होता है, संग्राहक प्रकार का होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की यदि कार्यविधि को देखा जाए तो इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राह के सापेक्ष धनात्मक प्रभाव पर रखा जाता है। इसमें उत्सर्जक जो आपका दिया गया है, इसमें उत्सर्जक को कहाँ पे रखा जाता है, आधार ये लगा हुआ है यहाँ पे, उत्सर्जक आधार के रूप में लगा हुआ है। और यदि संग्राहक को देखा जाए तो संग्राहक के सापेक्ष जो संग्राहक होता है, ये संग्राहक दिया गया है संग्राहक धनात्मक प्रभाव पर, और संग्राह के सापेक्ष जो उत्सर्जक होता है ये कैसा होता है, धनात्मक प्रभाव पर होता है। जिसमें आप देखेंगे कि जो उत्सर्जक होता है उत्सर्जक को आधार पर और संग्राह के सापेक्ष धनात्मक प्रभाव पर रखा जाता है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से धारा प्रवाहित होगी माइक्रो एम्पियर की, यहाँ पे होगी आपकी मिली एम्पियर की, ये बी और ई माने बैटरी लगी हुई है, बी यानी आपका आधार हो जाएगा, ई यानी हो जाएगा यहाँ पे उत्सर्जक, और ये बैटरी लगी यहाँ पे फिर से बैटरी लगी हुई है, सी यानी संग्राहक हो जाएगा, और ई यानी क्या हो जाएगा, उत्सर्जक हो जाएगा। इसका संबंध पृथ्वी से कह दिया जाता है। सबसे पहले यदि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखें तो इस दिशा में आप चलेंगे, और इसमें सबसे पहले मुख्य चीज जो होती है पूरे टॉपिक क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे आपको होल या व्यवहार को देखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे होल या व्यवहार। तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है, होल या व्यवहार के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जक क्षेत्र, ये दिया गया उत्सर्जक क्षेत्र, इस क्षेत्र का संबंध इससे होता है, साथ में ये पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो उत्सर्जक क्षेत्र होता है, उत्सर्जक क्षेत्र के जो होल होते हैं, ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, बैटरी भी बी ई, उत्सर्जक क्षेत्र में हम देखेंगे होल, इसमें देखेंगे जो बैटरी भी बी ई के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं, ये धन ध्रुव हो जाएगा, ये धन ध्रुव से कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर ये किसकी ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर चलने लगते हैं, किसकी ओर चलने लगते हैं, आधार की ओर, क्योंकि जो इसमें धारा का प्रवाह होता है ये किसके द्वारा होता है, केवल होल या व्यवहार के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो उत्सर्जक दिया गया है, उत्सर्जक क्षेत्र बैटरी के धन ध्रुव से जो होल होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होकर के किसकी ओर चलने लगते हैं, आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। चूंकि आधार क्षेत्र कैसा होता है, अत्यंत पतला होता है, ये आधार क्षेत्र कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, इसलिए अधिकांश क्षेत्र अधिकांश होल आ रहे हैं इससे, तो आधार क्षेत्र अधिकांशता या अधिकतर पतला होने के कारण जो होल होते हैं, अधिकांश होल आधार को कैसा कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, यानी कहाँ निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होने के कारण अधिकांश होल आधार क्षेत्र को पार करके कहाँ पर चले जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। केवल 2 से 5% यदि यहाँ पर देखा जाए तो 2 से केवल 5% होल ही आधार क्षेत्र में संयोग कर पाते हैं, बाकी के यदि देखा जाए तो 100 में से यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। आधार क्षेत्र पतला होता है, पतला होने के कारण जितने भी होल होते हैं ये आधार क्षेत्र को पार कर जाते हैं, और पार करके किस क्षेत्र में चले जाते हैं, यहाँ पे संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। और यहाँ पे केवल यदि देखा जाए तो 2 से 5% जो होल होते हैं वो ही आधार क्षेत्र में क्या कर पाते हैं, संयोग कर पाते हैं। कितना कर रहे हैं, केवल 2 से 5% जो होल होते हैं वही आधार क्षेत्र से संयोग कर पाते हैं, जिसके कारण जो आधार क्षेत्र होता है, आधार क्षेत्र में अल्प धारा आई बी, आई माने धारा और बी यानी क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार। तो जो आधार क्षेत्र होता है, आधार क्षेत्र में अल्प धारा क्या प्रवाहित होने लगती है, आई बी प्रवाहित होने लगती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो उत्सर्जक क्षेत्र था, ये उत्सर्जक क्षेत्र हो जाएगा, उत्सर्जक क्षेत्र के जो धन सरा होता है बैटरी भी बी ई के धन ध्रुव से जो होल होते हैं ये प्रतिकर्षित होकर के किसकी ओर जाने लगे थे, आधार की ओर जाने लगे थे। और जो आधार क्षेत्र होता है ये कैसा होता है, बदला होता है, बदला होने के कारण अधिकांश होल इस क्षेत्र को पार कर जाते हैं, और पार करके कहाँ पर चले जाते हैं, संग्राह क्षेत्र में चले जाते हैं। केवल आधार क्षेत्र में 2 से 5% होल ही क्या कर पाते हैं, संयोग कर पाते हैं, जिस कारण जो आधार क्षेत्र होता है इसमें अल्प धारा आई भी कैसे होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे होल आ गए हैं संग्राह क्षेत्र में,
तो जो संग्राहक क्षेत्र में होल आते हैं बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर, ये बैटरी दूसरी लगी हुई है, बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये यहाँ पे होल आ गए हैं और ये जो होल किसकी ओर जा रहे हैं, बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर आ रहे हैं। तो पहले जो संग्राहक क्षेत्र में होल आए थे, ये होल बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर या ऋण सिरे से कैसे होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। जैसे ही जैसे होल, ये जैसे जैसे होल क्या कहते हैं, संग्राहक क्षेत्र को छोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र को छोड़ते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो कहाँ पे पहुँचते जाएंगे, बैटरी के ऋण सिरे पे पहुँचते हैं। तो बैटरी के ऋण, जो बैटरी का ऋण सिरा होता है, इस ऋण सिरे के द्वारा जो होल होते हैं, इन होलों को या होल को क्या कह दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो जो विवर होते हैं इनको क्या कह दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इसके नष्ट होते ही उत्सर्जक में पास एक सहसंयोजक बंध टूटता है। ये यहाँ पे उत्सर्जक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे बैटरी के ऋण सिरे के पास विवर या होल कैसे होते हैं, नष्ट होते हैं, तो जो उत्सर्जक होता है उत्सर्जक के पास, माने बैटरी ये लगी हुई है, उत्सर्जक ये हो जाएगा और बैटरी ये लगी हुई है, बैटरी के पास क्या टूटता है, एक सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये खोल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, माने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल करके आगे चला जाता है, और जिस स्थान से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वहां पे क्या बन जाएगा, एक विवर बन जाएगा, यानी होल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बैटरी भी बीई के धन सिरे में या धन ध्रुव में कैसा हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और संग्राह और से उत्पन्न होल, ये जो होल होता है, ये होल किसकी ओर चलने लगता है, आधार की ओर चलने लगता है, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। प्रारंभ में कहा था कि जो होल है वो किसकी ओर चलने लगता है, आधार की ओर। तो इस प्रकार ये जो होल मुक्त हुआ है, माने उत्पन्न हुआ है, ये होल यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के बैटरी भी बीई के धन ध्रुव में या धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। और जो विवर उत्पन्न होता है या जो होल उत्पन्न होता है, ये कहाँ पे प्रवेश, किसकी ओर चलने लगता है, आधार की ओर चलने लगता है। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें क्या होने लगती है, अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है, होल या विवर के द्वारा। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, होल के द्वारा होता है, जबकि परिपथ में, ये तो इसके अंदर हो रहा है होल के द्वारा, यदि हम इसी में परिपथ में देखा जाए तो जो परिपथ होता है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए थे बैटरी में प्रवेश किए हैं धन ध्रुव में या धन सिरे में, तो ये परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, होल के द्वारा होता है। तो यह कार्यविधि हो जाएगी, किरचॉफ का नियम लग जाएगा, यदि उत्सर्जक धारा क्या हो, आई ई हो, उत्सर्जक धारा कितनी दी गई हो, आई ई दी गई हो, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार आई ई प्लस क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, तो यह किरचॉफ का नियम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर की कौन सी विधा देखी है, उत्सर्जक विधा थी आपकी, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा दी गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा जो ये उत्सर्जक लगा था, उत्सर्जक क्षेत्र के हो, जो बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो होल होते हैं, उत्सर्जक ही लगा हुआ है, यहाँ तक इसका संबंध होता है। उत्सर्जक के होल बैटरी के धन ध्रुव से या धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के जैसे ही आधार की ओर चलने लगते हैं, तो आधार का जो क्षेत्र होता है, ये अधिकांशतः या अत्यंत पतला होता है, पतला होने के कारण अधिकांश होल इस क्षेत्र को पार कर जाते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। केवल आधार क्षेत्र में 2 से 5% होल ही शेष बचते हैं, इन्हीं 2 से 5% होलों के कारण, इनके संयोग करने के कारण, कौन से क्षेत्र में, आधार क्षेत्र में केवल 2 से 5% होल ही संयोग कर पाते हैं, जिस कारण आधार में आई बी माने माइक्रो एम्पियर की धारा आई बी प्रवाह होने लगती है। अब जो संग्राहक क्षेत्र, जो आधार क्षेत्र को जो होल पार कर गए थे, संग्राहक क्षेत्र में थे, ये क्या होते हैं, बैटरी भी सी ई के ऋण सिरे से कैसे होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। जैसे जैसे ये छोड़ करके जाते हैं और बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाते हैं, तो बैटरी के द्वारा इन होल या विवर को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही ये नष्ट हो जाते हैं, तो इसके नष्ट होने से उत्सर्जक के पास एक सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। और जो होल होते हैं,
ये होल कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, आधार में प्रवेश कर जाते हैं, और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल के द्वारा या व्यवहार के द्वारा धारा प्रवाहित होती रहती है, जबकि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। यदि उत्सर्जक में प्रवाहित होने वाली धारा आईई हो तो किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, आईई बराबर आईसी प्लस के आईबी।